ओके तो देखो, कॉरल का इंटरफेस है। सबसे पहले आपके पास वेलकम स्क्रीन आ रहा है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है एक नए डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए। तो क्लिक करेंगे हम न्यू डॉक्यूमेंट पे, जिसमें क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा जिसमें हम नेम फिट कर सकते हैं कि फाइल जो है इसका नाम क्या होगा। सपोज डॉक्यूमेंट 1 हम टाइप कर दे रहे हैं। इसके साथ कॉरल में ये डिफॉल्ट सेव होगा। नंबर ऑफ पेजेस आपको कितना चाहिए, मतलब 1, 2, 3, 4 कितने पेजेस चाहिए आप रख सकते हो। यहाँ से इंक्रीज करोगे, यहाँ से डिक्रीज करोगे। फिलहाल जो है सिर्फ 1 पेज हम रखेंगे। उसके बाद जो कंटेंट हमें तैयार करना है, मतलब जो डॉक्यूमेंट तैयार होगा, क्या वो वेबसाइट के लिए है। वेबसाइट के लिए अगर होगा तो RGB हमें लेना पड़ेगा, अगर हम प्रिंट के लिए तैयार करना चाहते हैं तो CMYK लेंगे। इसके साथ नेक्स्ट है, ये जनरल आपका डिटेल्स हो गया। इसके बाद और भी है, जैसे अगर आपको कुछ पेज का साइज़ है वो डिफाइन करना है किसी तरीके से, तो आप यहाँ पे जाके या सेव भी कर सकते हैं। ये सब हम लोग आगे देखेंगे। और डायमेंशन की बात आती है। डायमेंशन मतलब कि पेज का साइज़, जो डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे उसका साइज़ क्या होगा, क्या वो लेटर के साइज़ का होगा या फिर कुछ प्रीसेट्स पहले से दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैनर वगैरह ये सभी, या फिर आप एक ही साइज़ का पोस्टर बनाना चाहते हो तो यहाँ से ये सब पिक कर सकते हैं। तो एक तरीका है कि आप यहाँ पे पेज का साइज़ जो है वो डिफाइन कर दो, या फिर आप चाहो तो मैनुअल भी टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हो। जो भी हम पेज का डायमेंशन ले रहे हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका यूनिट क्या होगा। तो अभी सपोज हम इंचेस यहाँ पे रख लेते हैं। इसके साथ यहाँ पे पेज का ओरिएंटेशन आ जाएगा, जिसमें पेज कैसा होगा, लैंडस्केप पोर्ट्रेट कैसा होगा, पोर्ट्रेट आपको चाहिए या फिर आपको लैंडस्केप चाहिए, इट्स कम्प्लीटली ऑन योर रिक्वायरमेंट कैसा आपको चाहिए। अगर प्रिंटेबल पे काम कर रहे हैं और हमने CMYK पिक करा है तो हमेशा ध्यान रखना है कि DPI यानी डॉट पर इंच जो है यहाँ पे वो हम लोगों को 300 रखना पड़ेगा। यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप चाहो तो मैनुअल भी टाइप कर सकते हो। और वंस यू डू दैट, इस केस में कोई चेंज आपको नहीं करना, फिलहाल सिर्फ ओके बटन पर क्लिक करना है। तो जो भी आपने चेंजेस किए थे उन सारे चेंजेस के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि पेज आपको कैसा चाहिए, पेज कैसा आपको चाहिए। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे हमारे पास टूल्स दिए हैं, यहाँ पे हमारे पास मेन्यूज है, ये प्रॉपर्टी पैलेट है, मतलब जिसमें प्रॉपर्टी में सारी चीज़ें मेंशन की जाएंगी जो भी आप सिलेक्टेड रखोगे। मतलब कि अगर आप टेक्स्ट का सिलेक्शन रखते हो तो टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी में आएगा, अगर आप एक रेक्टेंगल लेके आए हो, एक बॉक्स बनाए हो तो उसका प्रॉपर्टी आएगा। और अगर हम कुछ भी नहीं सेलेक्ट करें, फिलहाल हमारा कुछ भी नहीं क्रिएटेड है, कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, तो अभी जो आ रहा है ये आपका पेज से रिलेटेड आ रहा है, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट आप रखे हो उस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही है। आप क्लियर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास फिर से A3 आ रहा है क्योंकि पेज का साइज हमने A3 रखा था। अगर आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, मतलब कि अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो जाए कि आप पहले आप A3 लिए हो, बाद में आपने उसका साइज चेंज करना है, तो आप वापस फिर से स्विच कर सकते हो। मतलब कि A3 पेज को हमने फिर से A4 में चेंज कर दिया, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे यूनिट चेंज कर लो इंचेस वगैरह, और फिर यहाँ पे मैनुअल भी टाइप कर सकते हो। अभी जैसे मैंने A4 रखा है तो A4 का जो विड्थ होता है वो होता है 8.268 और इसकी जो हाइट होती है वो होता है 11.693। इसके साथ जो हमारा ओरिएंटेशन होगा वो लैंडस्केप, अगर आपको चेंज करना है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। गॉट इट। इसके बाद जो पेज है आपका वो कितना जूम है, तो 38% पेज हमें जूम करके अभी दिखाई दे रहा है। इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे टू पेज में अगर हम क्लिक करेंगे तो पेज जो है वो हमारा थोड़ा क्लोज आ जाएगा। टू विड्थ के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं वो करेंगे, हाइट के अकॉर्डिंग सेट करना चाह रहे हैं वो करेंगे। इसके अलावा मैनुअली हमारे पास आ रहा है 10, 25, 70, 50, जो भी व्हाटएवर आपको जैसा भी जूम करना है, या फिर अगर आप चाहते हैं मैनुअल करना तो जो माउस है इसका जो सेंटर बटन है वो आप स्क्रॉल कर सकते हैं। ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है जिस कॉर्नर पे या जिस जगह पे आप इसको लेके जाओगे स्पेसिफिक, वो पार्ट जो है आपका जूम हो जाएगा। इसके साथ साथ जूम करने का और भी तरीका है, जैसे कि कंट्रोल प्लस हम करेंगे, कंट्रोल माइनस करेंगे, कंट्रोल प्लस फॉर जूम इन, कंट्रोल माइनस फॉर जूम आउट, ये चीज़ आप कर सकते हो। या फिर कीबोर्ड में जेड बटन आप प्रेस करोगे, जेड बटन जब आप प्रेस करते हो तो जूम टूल आपका इनेबल हो जाता है। यहाँ से भी हम ले सकते हैं जूम टूल, अगर हम क्लिक कर लेंगे तो ड्रैग करके किसी एक जगह को हम, यानी किसी स्पेसिफिक पार्ट को जो है हम जूम करके देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा, तो आप जूम आउट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे चाहो तो सेट कर सकते हो, ये सब ऑप्शन आपको दिया हाइट के अकॉर्डिंग टू पेज। तो जो जो चीज़ें हमारे इसके अंदर में दी गई थी ये तीनों ऑप्शन वो हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। या फिर हम फिर से जूम, यहाँ जो है ये चीज़ आपको यहाँ पे भी दिया है, तो एक ही चीज़ कई बार दिए गए हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। बट पर्सनली मैं जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ वो डायरेक्ट क्या है कि माउस हमारे हाथों में होता है और हम लोग उसको डायरेक्ट स्क्रॉल करके कर सकते हैं ना, कहीं पे और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये चीज़ डिपेंड करेगा आप कितना वर्क कर रहे हो, मतलब कि जितना ज़्यादा आप काम करोगे टूल्स आपके लिए उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा।
तो सबसे पहले जो पेज है हमारा, ये हमारा पेज का जो रीजन है वो डिफाइन किया गया है। पेज के एरिया के बाहर में जो आप वाइट स्पेस देख रहे हो, इन्हें हम पेस्ट बोर्ड कहते हैं। ये आप स्क्रॉल भी कर सकते हो अगर आप जमीन जुमाव ज़्यादा किए हो। जैसे हम थोड़ा सा जमीन कर लिए हैं, इसको आप स्क्रॉल कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और टूल है आपके पास, हैंड टूल उसका नाम है, आप यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। शॉर्टकट जो है वो है एच, मतलब कि एच बटन को प्रेस करके, ये जो टूल है हैंड टूल, लेकिन हैंड इसका नाम नहीं दिया गया, हैंड एक्चुअली एडोबे का नाम है। आप एडोबे का सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे ना, तो इसका नाम दिया है वहाँ पे हैंड टूल, लेकिन ये क्या है, ये कॉरल का सॉफ्टवेयर है ना, तो सेम नाम नहीं रख सकता है, तो नाम ये अलग कर दिए, क्या किया, पैन टूल कर दिया। तो इसमें आप काम वही करेगा, दोनों के फंक्शन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, एक ही तरह से काम करेगा, बस सिर्फ जो है उनका नाम वो अलग अलग दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग इंटरफेस को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं मतलब वो जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट लैंडस्केप पोर्ट्रेट होगा, ये सब चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन को बदल सकते हैं। चलिए आगे, यहाँ पे एक और टूल है हमारे पास, इसका नाम है पिक टूल। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था फोटोशॉप सभी में हमारे पास जो टूल था वो था सिलेक्शन टूल, राइट। तो सिलेक्शन टूल या मूव टूल जिसे हम कहते थे, उसी टूल का नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया, इसका नाम यहाँ पे पिक टूल कर दिया गया है, बट वर्क जो है ना, जो काम है वो सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन टूल में आप देख सकते हो, वन बाई वन करके सब हम लोग स्टडी करेंगे, और यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो और भी कलर्स हमारे पास आ जाएंगे। और जिस भी शेप में फिल करना है, सपोज हम रेक्टेंगल में फिल करना चाहते हैं, क्लिक करिए पहले रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्लिक करने के बाद वो टूल आपने पिक कर लिया, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, जिस भी कलर में हम क्लिक करेंगे, वो जो कलर है हमारा वो उसमें फिल हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके और भी कलर्स के ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं स्वेचेस हमारे पास बड़ा अच्छा सा दिया है। जो भी कलर आप लेके आ रहे हो वो सारे कलर यहाँ पे रिसेंट में आपके पास आता जाएगा, मतलब कि जिस भी कलर पे हम क्लिक करेंगे वो जो कलर है एक नया हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसका बेनिफिट ये है कि आगे जब आप काम करोगे तो आपको हो सकता है कि सिमिलर कलर को पिक करना पड़े। तो पहले जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते थे, जैसे फोटोशॉप वगैरह, या फिर आप इलस्ट्रेटर यूज़ करते थे, या फिर आप इनडिज़ाइन यूज़ करेंगे, तो सिमिलर कलर को यूज़ करने के लिए हम लोग पिक टूल यूज़ करते थे, क्योंकि हमें सिमिलर जो है कलर वो पिक करना होता था। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या हो गई कि अगर आप कोई भी कलर पहले लेके रखे हो तो उसके लिए बार बार आपको पिक करने की ज़रूरत नहीं है, पिक टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करने से वो जो कलर है वो सिलेक्टेड वाले में विजिबल हो जाएगा, यानी फिल हो जाएगा। इसके साथ एक और चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपको सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन करने के लिए एक तरीका है कि आप क्लिक करें, एक से ज़्यादा सिलेक्शन करने के लिए कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड करके क्लिक करें, या फिर आप ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग करके जब भी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये सिर्फ ड्रैग करने से सिलेक्ट नहीं होगा, जैसे कि ये सिलेक्ट हुआ, ये सिलेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे तरीका क्या है कि जब तक कंप्लीट कवर आप नहीं करोगे, जब तक पूरा रीजन के अंदर में उसको नहीं लाओगे, वो सिलेक्ट नहीं होगा। अगर हम सिर्फ थोड़ा सा सिलेक्ट कर दे तो सिलेक्ट नहीं होगा, जबकि एडोबे के पैकेज पे वहाँ पे थोड़ा सा टच भी करेगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों के अपने अपने ऑप्शंस हैं, आप देख लेंगे। क्लिक जब आप करते हैं तो आपके पास नोट्स आ जाते हैं। नोट्स में आप इसे स्केल कर सकते हो, मतलब कि हम जैसा चाहे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट है वो कॉर्नर से हमारा इंक्रीज कर रहा है। अगर आप स्पेसिफिक साइड के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो साइड में जाके हम लोग यहाँ से भी इसको स्केल कर सकते हैं। अब अगर आपको यूनिफॉर्म स्केल करना है, मतलब आप चाहते हो यूनिफॉर्म स्केल करना, तो कीबोर्ड में कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे कीबोर्ड में हम कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। आप देखिए बिट जब हम बढ़ा रहे हैं वो नहीं बढ़ रहा है, अगर ये छोड़ दिया मैंने तो ही बढ़ेगा, ठीक है, ओके। या फिर हम कुछ नए चीज़ों को लाना चाहते हैं, मतलब कोई नया शेप हम लाना चाहते हैं, वो भी हम ला सकते हैं। आप क्लिक करेंगे और कंट्रोल बटन होल्ड करके आप इसको ड्रॉ जब करते हैं तो वो एक यूनिफॉर्म स्केल करता हुआ ड्रॉ होता है। तो ये थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे शिफ्ट से होता था, यहाँ पे कंट्रोल से होता है। तो टूल्स आपको थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। अभी हमने जिस भी शेप का सिलेक्शन किया है उस शेप से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर्टी आ गया। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम एक स्क्वायर बनाएं, तो स्क्वायर के लिए ज़रूरी है इसका जो विड्थ है और इसकी जो हाइट है वो सिमिलर हो, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। अभी आपने यूज़ किया है इंचेस का, तो अगर आपको कभी कोई ऐसा डिज़ाइन है जिसमें स्पेसिफिक बॉक्स का साइज़ बोल दिया जाए कि जो बॉक्स हमारा होगा वो 4 इंच का होगा और वो एक स्क्वायर होगा, तो 4 इंच का रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गया है, तो मैनुअल भी हम टाइप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप और दोनों में टाइप करने के बाद एंटर बटन प्रेस करोगे वो आ जाएगा, क्योंकि मैनुअल आप फिक्स नहीं कर सकते हो। अगर आप साइज़ एग्जैक्टली चाहते हो तो ये ज़रूरी है कि आप उसको, क्योंकि आप ऐसे पता नहीं चलेगा ना कितना बड़ा कितना छोटा है, तो आप वो कर लोगे। अभी हम देख सकते हैं कि इसमें कोई कलर फिल किया हुआ नहीं है, हम क्लिक करेंगे तो कलर फिल हो जाएगा।
दूसरी चीज़ अगर हम इसे क्लोज करके देखें तो इसका आउटलाइन हमारे पास आ रहा है, इसे कहा जाता है स्ट्रोक्स। तो स्ट्रोक कैसे होंगे, कितना ही भी होगा, इस चीज़ को हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे आउटलाइन, जैसे फोटोशॉप में क्या नाम था स्ट्रोक, बट यहाँ पे क्या नाम दिया गया आउटलाइन। काम सेम है, दोनों का फंक्शन सेम है, बट सिर्फ नेम अलग अलग है। तो यहाँ पे कितने आपको चाहिए आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। अभी अगर बात आ जाती है इसमें कलर कैसे फिल किया जाए, मतलब कि स्ट्रोक का कलर कैसे चेंज किया जाए, तो उसके लिए यहाँ पे आप गौर करोगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। ये है फिल का, जैसे कि अगर हम फिल करना चाहते हैं तो फिल में हमारे पास कलर के तो ऑप्शंस हैं, बट सारे कलर के ऑप्शंस नहीं हैं। अगर आपको कोई इससे अलग कलर चाहिए, मतलब ऐसा कलर आपको यूज़ करना है जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आप क्या करोगे, फिल में अगर करना चाहते हैं चेंजेस तो डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो डबल क्लिक करने के बाद आपके पास थोड़ा सा ये टाइम लगता है, इनेबल हो गया। यहाँ पे कलर फिल करने के कई सारे ऑप्शंस आपके पास आ गए, जिसमें से सबसे पहला जो है वो है यूनिफॉर्म फिल, मतलब कि जो सॉलिड कलर था वहाँ पे उसका नाम यहाँ पे क्या दे दिया गया है, यूनिफॉर्म। तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर सकते हैं और जैसा भी कलर आप चाहें वो ला सकते हैं। तो जिस भी शेड पे आप क्लिक करोगे उससे रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, और आप अगर चाहो तो यहाँ से पिक भी कर सकते हो, क्लिक करोगे। और अगर आपके पास स्क्रीन में पहले से कोई इमेज या वो कलर जो है जो आपको पिक करना है, तो सिंपली आप क्लिक करोगे तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। या फिर इसके अलावा हमारे पास ये भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाके स्विच कर सकते हैं, जो भी आपको लेना है कलर आप यहाँ पे ले लेंगे। इस तरीके से भी हम लोग पिक कर सकते हैं, वंस यू डू दैट, तो इसके बाद आप यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। या फिर अगर आपके पास ये सारे वैल्यूज हैं, जैसे कि आप चाहते हो कि वैल्यू के अकॉर्डिंग सी एम वाई के में फिट करे, या फिर अगर आपके पास आरजीबी का है, या फिर आपके पास कलर कोड है वेबसाइट्स वगैरह के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप मैनुअल डाल सकते हो। मतलब वो हर तरीका आपके पास दिया, वो हर चीज़ें दी गई हैं जो आप यूज़ करना चाहते हो। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ये भी दिया है, अगर आप चाहो तो आरजीबी कलर को यूज़ करना, तो आरजीबी कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये सारे चेंजेस फिल कलर से रिलेटेड हुए। अगर आपको स्ट्रोक पे चेंज यानी आउटलाइन पे चेंज करना है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास कलर का ऑप्शन आ जाता है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जो भी कलर आपको चाहिए आप रैंडमली यहाँ से पिक कर सकते हैं। कलर के मोड को चेंज कर सकते हैं, चाहे सी एम वाई के, आर जी बी, ये सब को पिक कर सकते हो, या फिर वैल्यूज अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं, या फिर आई ड्रॉपर टूल। इसके बाद यहाँ पे ओके, बट ओके करने से पहले हमारे पास ये ऑप्शन मिल जाता है, कितना स्ट्रोक को हम करें ये भी कर सकते हो। ठीक है, पिक्सल इंचेस यूनिट किया हुआ है, स्टाइल, ये सब आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे, फिलहाल जो है हम सिर्फ यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस हम चाहें शेप में ला सकते हैं। इसके बाद फिर से हम एक दूसरे रेक्टेंगल को लेके आते हैं। अब बात आती है राउंडेड रेक्टेंगल की, मतलब कि यहाँ पे अगर हम जाएं तो हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल का कोई ऑप्शन आता ही नहीं है, जबकि बाकी सारे एडोबे के सॉफ्टवेयर पे आपको राउंडेड का अलग से टूल दिया जाता है। राउंडेड कॉर्नर वाले जो रेक्टेंगल्स होते हैं इनका अलग से टूल दिया जाता है, बट यहाँ पे नहीं है कॉरल में, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो उस केस के लिए क्या है, आप सिर्फ सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है राउंडेड का, इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर ये आपका इनेबल है मतलब लॉक किया है, ये सारे पे काम करेगा, जैसे कि 2 हम कर दे रहे हैं और एंटर, तो ये क्या किया 2 इंचेस कर दिया, क्योंकि हमने इंचेस पिक करा था। अगर हमें कम चाहिए तो हम 0.1 जैसे कर दिए, ठीक है 0.2 कर दीजिए, 0.2, और आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंगली वो चेंजेस हो रहा है। लेकिन अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक किसी एक में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो है इसको ऑफ कर देंगे और यहाँ पे फिट कर देंगे, जैसे कि 0.2 और एंटर। तो जो भी हमने जिस तरफ के कॉर्नर पे हमने वैल्यूज डाला है वो कॉर्नर जो हमारा है वो राउंडेड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, अभी हमने राउंडेड कर दिया, अभी हम इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज और कर दे रहे हैं, जैसे 0.5 हम कर दिए, और इसको एक काम करते हैं चारों तरफ जो है 0.5 कर देते हैं, 0 पहले हम कर दे रहे हैं, फिर हम इसको 0.5 कर देंगे, 0.5 ओके, सारे जो एज हैं यानी सारे जो कॉर्नर है वो राउंडेड हो गए। और इसके बाद हमारे पास देखो ये ऑप्शन है, मतलब कि आप कैसा राउंडेड चाहते हो, राउंडेड चाहिए कि आप, और भी कई सारे ऑप्शन है आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है आपका, कैसा चाहिए उस पर, और यहाँ पे भी आप डॉटेड वगैरह कर सकते हो। तो ये बड़ा आसान, मतलब बहुत ही इजी तरीका दिया है, बहुत ही इजीली आप इसको हटा सकते हो। अगर नहीं चाहिए 0 एंटर, 0 कर दोगे ताकि वो हट जाए। जैसे कि हम लोग रेक्टेंगल लेके आ रहे उसी तरीके से हम लोग इलिप्स भी ला सकते हैं, ये सब भी ला सकते हैं, आप लोग देख लोगे कितने साइड चाहिए आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है,
और आपको याद होगा तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने देखा था, यहाँ पे इसका नाम दिया गया है शेप टूल। बहुत सारे शेप्स हम लोग बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी दिए गए हैं टूल्स, जैसे स्टार्स वगैरह आप एक बार चेक कर लोगे। कॉमन शेप एक है, शेप में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप कई सारे कॉमन शेप्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ये सारे टूल्स हैं आपके पास। जैसे आप एरो वगैरह को कुछ बनाना चाहते हो तो ये बना सकते हो, और सिंपली हम लोग कलर फिल कर सकते हैं। आप चाहो तो स्विच भी कर सकते हो, एक टूल हम लोग और भी ला सकते हैं। यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, तो कई सारे डिज़ाइन में आपको ये सारे टूल्स काफ़ी हेल्प करेंगे। एक बार आप इन सभी टूल्स को यूज़ करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्पायरल टूल, स्पायरल वगैरह भी हम लोग ला सकते हैं, कितना आपको चाहिए हेवी वगैरह वो सब कर सकते हैं। और ये जो है वो कैसा चाहिए, डॉटेड चाहिए, तो ये सब डिज़ाइन हम लोग यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अंदर की तरफ एरो बन गया है, और फिर जो एग्जिट है वो कैसा चाहिए आपको, उसमें भी हमने एरो दे दिया। तो आप इस तरीके से बना सकते हो डिज़ाइन, काफ़ी डिज़ाइन है जो आप चेंज कर सकते हो मैनुअली, ठीक है। इस तरीके से आप इसके ओरिएंटेशन को देखो चेंज कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो। कॉमन शेप हो गया, स्टार्स में जाने के बाद आप यहाँ पे स्टार ड्रॉ कर सकते हो, किस तरह का स्टार आपको चाहिए, ये दो ऑप्शन आपके पास। जैसे स्टार चाहिए आप क्लिक कर लोगे, स्टार में साइज कितने, साइड कितने चाहिए, साइड आप बढ़ा लोगे यहाँ पे, और फिर ये सब गैप्स वगैरह को मैनुअल भी कर सकते हो, और चाहे तो हम इस टूल को यूज़ करके यहाँ से ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको देख लो कैसा आपका रिक्वायरमेंट। कई सारे स्टिकर्स बनते हैं वहाँ पे, आपको ये सारे डिज़ाइन यूज़ किए जाएंगे, जैसे 50% डिस्काउंट ऐसा कुछ मेंशन है, तो स्टिकर्स वगैरह या बम्फर ऑफर ऐसा कभी कभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्राफ वगैरह भी है, ये सारे ऑप्शन भी दिया, जैसे इम्पैक्ट टूल है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ डिज़ाइन वगैरह में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे चेंजेस हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, अगर आपको ऐसा कुछ कहीं पर जरूरत पड़ जाए तो आप कर सकते हैं। कंट्रोल इज ऑल सेलेक्ट एंड डिलीट। इसी तरीके से ग्राफ पेपर है, हम लोग ग्राफ ला सकते हैं, और इस ग्राफ में कितने हमारे पास, जैसा भी चाहिए आप पहले पिक कर लोगे, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो जो भी आपको चाहिए, या फिर कितना पिक्सल इसका बिट पे कैसा चाहिए आप यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। देखिए अगर डॉटेड चाहिए तो वो भी ला सकते हैं। इसके बाद जल्दी से हम चलते हैं टेक्स्ट टूल पे, यहाँ पे ए जो बटन है वो टेक्स्ट टूल को इंडिकेट करता है, जबकि एडोबे के सारे सॉफ्टवेयर पे टी लिखा रहता है टेक्स्ट टूल के लिए, बट यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट टूल को यूज़ किया गया है ए बटन से, जिसका शॉर्टकट है कीबोर्ड में F8। F8 बटन को प्रेस करके टेक्स्ट टूल को आप इनेबल रख सकते हैं। दो तरीके से टेक्स्ट टूल यहाँ पे लाए जाते हैं, जो पहला है वो वन लाइनर है, वन लाइनर के लिए सिंपली आपको क्लिक करना पड़ता है, और एक है पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ आप बना सकते हो, ठीक है। सपोज अभी हम क्लिक कर लेते हैं, और अभी हम टाइप कर रहे हैं जैसे ग्राफिक्स, जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, और हम इसे स्केल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाता है, जिसमें क्लिक करके फॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट के सैम्पल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। जिस भी डिज़ाइन या जिस भी टाइप के फॉन्ट को आप यूज़ करना चाहते हैं, जो भी आपके सिस्टम में अवेलेबल है, इन सभी को आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक कोई फॉन्ट जो चाहिए तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, जैसे यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ये सारे फॉन्ट्स, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम इसके साइज़ वगैरह को चेंज कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से चेंज कर लीजिए, या फिर आप इसको
यहाँ से ड्रैग करके भी चेंज कर सकते हैं। सेलेक्टेड फॉन्ट पे अगर हम क्लिक करें तो जो कलर पे हम क्लिक करने वाले हैं वो कलर हमारा फिल हो जाएगा। अब इसे कॉपी करने की बात आती है, कॉपी हम कैसे कर सकते हैं। एक तरीका हमारे पास है कि एडिट पे हम जाएं या फिर कीबोर्ड में कंट्रोल सी करें और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल वी करें या फिर यहाँ पे पेस्ट में क्लिक करें। इससे क्या होगा कि हमारा जो है वो पेस्ट हो जाएगा। करें ठीक है, ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है कॉपी करने का। लेकिन यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें दी है, जैसे कीबोर्ड में अगर आप प्लस बटन प्रेस करोगे, प्लस जो ऐड का होता है बटन, उसमें क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो कॉपी एंड पेस्ट दोनों कर देगा। मतलब कि सिर्फ सेलेक्टेड, जो सेलेक्टेड है आपका उस पर सिर्फ प्लस बटन क्लिक करेंगे, प्लस, तो आपका वो कॉपी एंड पेस्ट हो गया। देखिए जिस भी चीज़ पे हम सिलेक्शन किए हैं प्लस बटन प्रेस कर रहे हैं वो उसका कॉपी पेस्ट दोनों कर दे रहा है। तो ये एक टूल है जो बहुत आसान है, और इससे भी ज़्यादा इजी कुछ और भी है। अभी एक और आसान सा चीज़ क्या है कॉपी करने का तरीका, आप इसमें क्लिक करिए, माउस से हम इसको होल्ड करके रखेंगे, जैसे कि माउस के राइट बटन से हम किए हैं, ठीक है, और फिर हम इसको दूसरी जगह ले जाएंगे नए पोजिशन पर और फिर दूसरा जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक कॉपी कर देगा। जितने बार हम चाहें कॉपी कर सकते हैं, मतलब कि बिना कीबोर्ड छुए भी, बिना कीबोर्ड छुए सिर्फ माउस की मदद से कॉपी पेस्ट हम दोनों कर सकते हैं। ये टूल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पर्सनली मैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल और डिलीट। अगर आपको कुछ बैकग्राउंड तैयार करना है मैनुअली, खुद से बनाना है, तो उस पर जो है ये टूल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज हम लोग इस क्लास में देखें कि कैसे कॉरेल का जो बेसिक सेटअप होता है, यानी पेज जो है वो कैसे आएगा सबसे पहले। इसके साथ हम लोग देखें कि रेक्टेंगल टूल हम कैसे इनेबल करते हैं, रेक्टेंगल टूल में फिल कैसे करते हैं यहाँ से, और फिल के साथ साथ इसमें जो स्ट्रोक है वो कैसे चेंज करते हैं, उसके कलर, उसके साइज़ को, यानी उसके विड्थ को, या फिर आपको राउंडेड कॉर्नर चाहिए तो वो कैसे आएगा, पेज जूम इन जूम आउट कैसे होता है, और साथ ही साथ हम लोग देखें कि फॉन्ट हम लोग कैसे लेके आएंगे और फॉन्ट के जो स्टाइल है यानी फॉन्ट का जो टाइप है वो कैसे चेंज होगा, उसमें कलर कैसे फिल करेगी, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। कॉपी कैसे करना है, उसका शॉर्टकट क्या है, ये भी हमने देखा। और साथ ही साथ हमने आज देखा कि कैसे हम लोग बेसिक शेप्स जो हमारे पास दिए हैं, जैसे पॉलीगन, स्टार्स, स्पाइरल, कॉमन शेप, इम्पैक्ट और साथ ही साथ ग्राफ, ये सारे टूल्स हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।